वेलकम टू माय चैनल। मैं उत्तरनिशा और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो होने वाली है। एक प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, बेसिकली मैं जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बेसिकली इस प्राइस रेंज पे दिस इज लाइक फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा हो जाता है। सो ये जो प्रोडक्ट है उसका जो भी कोड होगा, बेसिकली क्योंकि मीशो कोड देता है तो उसका कोड जो होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर अपनी इंस्टा आईडी दे दूंगी, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरी इंस्टा आईडी होगी तो आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूंगी, जो कि प्रोडक्ट है वो है ये है आरएफ स्किन केयर ऑस्ट्रेलिया। सो ये आप सोच रहे हो कि इसमें ऑस्ट्रेलिया क्यों मेंशन है। सो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इसकी पेरेंट कंपनी है। सो ये जो प्रोडक्ट है वो मैं बहुत दिन से यूज कर रही थी, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। पहले बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। बेसिकली तो ये इसमें जो विटामिन ई मिल जाता है आपको, जो कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है आपके फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और ये प्रोडक्ट जो है नॉन टॉक्सिक है, सिलिकॉन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है। तो इसमें हर वो चीज़ है जो बेसिकली आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, आपके पोर्स को अनक्लॉग्ड रखेगा और साथ ही साथ वो रिफ्रेशिंग सा जो फील होता है जो हमें मॉर्निंग में चाहिए होता है वो आपको ये प्रोडक्ट देगा। इसलिए मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत ईजी टू अप्लाई है, आपको जैसे हम नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करते वैसे ही यूज़ करना रहता है। और इसमें आप 2-in-1 है, इसमें आपको क्लिंजर एज वेल एज स्क्रब भी मिल जाता है। बेसिकली क्या है, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इस तरह से इसका टेक्सचर है, अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखोगे ना तो आपको इसमें पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपको ये ब्लू सा लाइन दिख रहा होगा, छोटे छोटे डॉट्स दिख रहा होगा ब्लू सा। बहुत ही फाइन पार्टिकल है जो आपके फेस को क्लीन तो करेगा ही, साथ ही साथ आपके फेस को स्क्रब भी कर देगा, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही फाइन है। वो बड़े बड़े वाले पार्टिकल्स नहीं है जो जाके आपके स्किन के लेयर को ब्रेक कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही फाइन और बहुत ही छोटा पार्टिकल है इसमें। इसको आप आराम से फेस पे यूज़ कर सकते हो या फिर फेस नेक पर यूज़ कर सकते हो। और आई हाईली रिकमेंड कि आप एक बार इसको ट्राई करो, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा टॉक्सिक सा प्रोडक्ट नहीं यूज़ हुआ है। विटामिन ई यूज़ हुआ है, एक्वा यूज़ हुआ है, बेसिकली ऑर्गेनिक ग्लिसरीन यूज़ हुआ है, सेल्यूलोज, ये सब इनके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेंशन है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको एक बार ट्राई करो, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई रियली होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। और आप इसको अगर ट्राई करते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बेसिकली कि आपको ये कैसा लगता है। इसका जो भी लिंक होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। सो यहाँ चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट, हाउ वेबसाइट पे ये मेरे को ऐसा दिखा था और मेरे को जो रिसीव हुआ इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। पहले बात करते हैं घाघरे की। तो घाघरा जो है बेसिकली नीचे का जो पजामा है वो कुछ इस तरह से है, आप देखो इस तरह से, इतना प्रिटी। मैंने इसमें स्मॉल साइज परचेज किया है। सो या दिस इज हाउ द घाघरा लुक्स लाइक, इतना प्यारा सा पिंक। और आजकल पिंक बहुत ही ट्रेंड में है, तो ये जो पिंक है वो बहुत ही प्यारा सा पिंक है। और इसमें आपको 2 लेयर का घाघरा मिल जाता है, आप देखो ये पहला लेयर आपको यहाँ पर मिलता है, फिर आपको ये दूसरा लेयर मिल जाता है इस तरह से। ये इतना फैला हुआ घाघरा और पूरे में आपको ऐसे गोल्डन कलर की प्रिंट मिल जाती है। वेस्ट की बात करूँ तो वेस्ट पे आपको ऐसे इलास्टिक वाली बैंड मिल जाती है, जो कि बहुत ही प्रिटी रहता है, पहनने पर बहुत ही ईजी हो जाता है और आपको फिट भी आराम से कर जाता है। पॉकेट्स इसमें नहीं है, तो आप पॉकेट्स को एक्सपेक्ट नहीं करना कि हाँ आपको पॉकेट मिलेंगे इसमें। सो इसमें पॉकेट्स नहीं है। अब बात करते हैं, ये पूरा आपको बट प्रिंट मिलेगा और बहुत ही प्यारा फैब्रिक है। एवरीथिंग कॉटन में, मतलब कंफर्टेबल फैब्रिक है। अगर गर्मी भी हो रही है ना तो आप आराम से इसको पहन सकते हो। अब बात करते हैं इसके टॉप वाले पार्ट की, कुर्ते के पार्ट की। सो कुर्ता इसका जो है ना वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें जो वर्क है कुर्ते में दैट इज़ अमेजिंग, बहुत ही प्यारा वर्क है। और ये साथ ही साथ आपको फुल स्लीव्स मिल जाता है, फुल स्लीव्स में अफोर्डेबल में। मैं कुछ देख रही थी क्योंकि स्ट्रैप वाला और ये सब अभी ट्रेंड में है, तो स्ट्रैप वाले ड्रेसेस बहुत मिल जाते हैं, बट फुल स्लीव्स आजकल उतने नहीं मिलते। उतने मिलते हैं बट इस रेंज में नहीं मिलते, वो हाई एंड पे जाना पड़ता है हमें। सो बेसिकली दिस इज हाउ द कुर्ता लुक्स लाइक, एग्जैक्टली जैसा इन्होंने इमेज में शो किया वैसा ही इन्होंने दिया है। सो मेरे साथ तो आप बोल सकते हो सरप्राइजिंगली मेरे साथ ये पहली बार हुआ है कि मीशो में जो भी इन्होंने शो किया है वही चीज़ इन्होंने भेजी है, क्योंकि मैंने जितने बार मीशो से शॉपिंग की है ना मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट ही हुई हूँ। रादर या तो फिटिंग को पकड़ लो या किसी चीज़ को पकड़ लो, मैं डिसअपॉइंट ही होती हूँ। बट इस बार फिटिंग से लेकर हर चीज़ मेरे को एकदम सही लगी है। तो आई रियली हाईली रिकमेंड कि ये आप सेलर से परचेस करो, जिस सेलर से मैंने ये लिया, क्योंकि मैं इन सेलर्स के बारे में बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे इन्होंने ही प्रोडक्ट दिया है। तो
दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इस तरह से आप देखो, इस तरह से आपको ये मिल जाता है। पहले बैक की बात करते हैं, बैक में आपको सेम प्रिंट, गोल्डन प्रिंट पूरा मिल जाता है। स्लीव्स की बात करते हैं तो स्लीव्स में आपको सेम गोल्डन प्रिंट मिलता है, फुल स्लीव्स मिलता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे से लटकन्स भी मिल जाते हैं जो घंटी जैसे बजते भी है, जो कि और अच्छा लगता है, साउंड लगता है, फेस्टिव लगता है अगर टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो। सो दोनों स्लीव्स में आपको इस तरह से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके वर्क की। तो आप जितना फ्रंट वर्क देख रहे हो ना, जितना भी आप ये वर्क देख रहे हो, ये सारा थ्रेड वर्क है। सब में इन्होंने कहीं पर भी वो कंदी वाली थ्रेड या फिर वो होता है ना जो निकलने लगता है थ्रेड, वैसा यूज़ नहीं किया, बहुत ही अच्छा थ्रेड वर्क इन्होंने यूज़ किया है। सो दिस इज़ हाउ दिट इट लुक्स लाइक। और इसके नीचे में भी आप यहाँ पर देखोगे इन्होंने वही सेम घंटी वाली चीज़ यूज़ की है, बेसिकली शंख वाला, और ये चेन टाइप का कुछ यूज़ किया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इस तरह से कुर्ता आपको शॉर्ट मिलता है, क्योंकि पहनने के बाद ना प्रॉपर जहाँ से लहंगा बोल रही प्लाजो का जो घेरा स्टार्ट होता है वहाँ तक आपको ये कुर्ता आ जाता है। पहनने के बाद बहुत ही प्रिटी लगता है, मैं वीडियो डाल दूंगी, आपने देख लिया होगा कि कितना प्रिटी लग रहा है ये पहनने के बाद बेसिकली। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप जल्दी से जाओ और इसको चेकआउट करो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट येट। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।